सर हम इंटर में थे। क्या कहना चाहेंगे रिजल्ट आने के बाद? सर रिजल्ट आया, अच्छा लगा और सबको भी सबको शुभकामनाएं, खास करके लड़कियों को जो अधिक से अधिक नंबर से पास हुई है। लड़के थोड़ा पीछे रह गए लेकिन मेहनत कर रहे हैं और अगली बार मेहनत करेंगे तो हो सके अच्छा नंबर आए। क्यों हर बार ऐसा होता है कि लड़कियां ही बाजी मार लेती हैं? सर लड़की असल बात ये है कि वो सेल्फ स्टडी ज़्यादा करती हैं और लड़के थोड़ा घूमने में भी ध्यान लगाते हैं, जिसका कारण है कि वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, लेकिन लड़की मेहनत करती हैं और वो सक्सेस भी होती हैं। लेकिन लड़के भी कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, अगर करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। कितना परसेंट मार्क आपका? 78। तो संतुष्ट हैं आप उससे? सर संतुष्ट हैं, मेहनत रहेगा कि ठीक ही रहे और सबको सामने और सबको भी अच्छी हुआ। तो जिस तरह से ऑफलाइन परीक्षाएं क्लासेस अब चल रहे हैं, उसके पहले ऑनलाइन चलते थे कोरोना काल में, तो कितना अंतर देखते हैं आप? अंतर तो बहुत हैं। ऑफलाइन जो होता है टीचर्स सामने होते हैं, फेस टू फेस बात हो सकता है, डाउट्स भी क्लियर होता है। और ऑनलाइन के ज़माने सर सबके पास रिचार्ज नहीं होता है, मोबाइल नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि सबके पास रिचार्ज ही हो ताकि सब ऑनलाइन पढ़ सकें, और ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर है। क्या एम रहेगा आगे आपका? सर एम रहेगा कि MBA करके बिजनेस मैनेजमेंट करना है। सर मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया और हमारे सभी साथियों ने भी किया ही होगा। मुझे 72.5% अंक प्राप्त हुए हैं, जिससे मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ। वैसे मैंने मेहनत भी उतना उचित नहीं किया था। परिवार के तरफ से और गुरुजनों के तरफ से पूरा आशीर्वाद रहा, पूरा उन्होंने हमारी सहायता की है। अपने तरफ से अब हम आगे प्रयास करेंगे ताकि हम 12 के बोर्ड परीक्षा में कुछ अत्यधिक नंबर जुटाने का प्रयास कर सकें। जिस तरह से कोविड काल में ऑनलाइन वो क्लासेस चलाए जा रहे थे उसमें और अब जो आपको ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, कितना अंतर महसूस होता है? सर दोनों में देखा जाए तो काफ़ी अंतर है। अगर हम देखा जाए क्लास में हमारे टीचरों से तुरंत हमारे डाउट यानी समस्याएं क्लियर हो जाती थी, ऑनलाइन क्लासेस में हमें इससे थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता था, उसके बारे में हमें खोजना पड़ता था, कई बार चीज़ें मिलती भी नहीं थी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ऑफलाइन क्लास से ज़्यादा बेटर होती हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी बुरी नहीं है। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है, क्या कहेंगे? सर बाजी मारी है, लेकिन उसमें सर ऐसा नहीं है लड़के पीछे रहे हैं, लड़के भी आगे रहे हैं। लेकिन सर आज का जो समय है मोबाइल का आधुनिक युग आ चुका है, स्मार्टफोन का यूजेज है, जिसमें लड़के थोड़े ज़्यादा क्या बोलते हैं विलीन हो चुके हैं, जिस कारण से वो लोग पढ़ने में थोड़ा ध्यान कम लगा रहे हैं। लेकिन आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम अत्यधिक कर सकें। मेरा 79% रहा है और रिजल्ट तो खैर ठीक ठाक रहा है, कोई बात नहीं रही है। यानी कोई आपको रिजल्ट से शिकायत नहीं है? लेकिन देखा जा रहा है कि इस बार भी जो है लड़कियों ने कहीं ना कहीं बाजी मारी है। बच्चे 69% से ज़्यादा परसेंटेज में पास हुए हैं, वहीं लड़कियों ने 93% के आसपास जो है सफलता पाई है। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है कि जो हम लड़के हैं, हम लोगों ने स्मार्टफोन को ज़्यादा यूज़ किया, उसकी बातें समझ नहीं पाए, उन्होंने समझ लिया इसको और उन्हें पढ़ाई शुरू कर दी, हम लोगों ने नहीं शुरू की। उनका बहुत दुख की बात है कि हम लोगों ने इतना खराब परसेंटेज उठाया, 79% उठाए, बहुत अच्छा नहीं लगा। कि हमारे माता पिता का ये था कि 85% से ऊपर हम लोग को रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। माता पिता का कितना आशीर्वाद रहा आप लोगों सब का? माता पिता का और गुरुजनों का और पूरे परिवार का, सबका आशीर्वाद तो ठीक ठाक रहा, सब उन्हें आशीर्वाद दिया। एम रहेगा आपका? मैं बीटेक करना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना।